सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने बहुजन आंदोलन के मसीहा, बहुजन आंदोलन के वाहक राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है और उनकी इस अभद्र अशोभनीय टिप्पणी से यह दर्शाता है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय पागल हो गए हैं, उनको इलाज की जरूरत है और वह मानसिक दिवालिया हो गए हैं। उन्होंने जिस मजाकिया अंदाज में, जिस जादूगरी में टिप्पणी की है उससे लगता है कि वो राज्यपाल होने लायक ही नहीं है। आखिर किस व्यक्ति ने ऐसे धूर्त व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, गधे को राज्यपाल बना दिया है? मैं आह्वान करता हूं कि इसने जो अपमान किया है, यह अपमान बहुजन समाज का है, यह अपमान भारत का है, यह अपमान राष्ट्रपिता का है। कोश्यारी जी, तुम्हारी औकात नहीं थी कि उस अंग्रेजों के दौर में नौ नौ विद्यालय जिसने खड़े किए हों, जिसने अपने ऊपर कीचड़ झेला हो और असहाय गरीब कमजोरों को पढ़ाया हो, उन पर टिप्पणी की। और वैसे आप उनके बचपना की टिप्पणी कर रहे हैं कि उनकी बचपन में शादी हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने पिता से पूछिए, आप अपनी माता से पूछिए, आपके भाई तो 11 हैं, आप 8वीं संतान हैं, आपके माता पिता की कब शादी हुई थी? जब भारत पढ़ा लिखा नहीं था, तुम्हारे गुरुकुल की वजह से, तुम्हारे ब्राह्मणवाद की वजह से, तुम्हारी अज्ञानता की वजह से, क्योंकि तुमने शिक्षा के दरवाजे बहुत लोगों के लिए बंद कर दिए थे। उस समय बाल विवाह होते थे, बचपन में शादियां हो जाती थी। ऐसी टिप्पणी करके आपने ये दर्शा दिया है कि आप मेरिट वाले नहीं हैं, थोपे गए नेता हैं, आप बनाए गए नेता हैं। वैसे कोश्यारी जी, मैं आपको बता दूं, जिस पाठशाला से आप आए हो उस पाठशाला में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो सावित्री बाई फुले के बराबर बैठता हो, ज्योतिबा राव फुले के बराबर हो, जिन्होंने इतना संघर्ष करके देश को क्या नहीं दिया, आज उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देश भारत को गाली देने की, बहुजन समाज को बुरा भला बोलने की? मैं आह्वान करता हूं बहुजन समाज के लोगों, घर में, मोहल्ले में, गली में, चौराहे में, बुद्ध विहार में, अंबेडकर पार्क में कोश्यारी के पुतले जलाइए, इसको एहसास दिलाइए कि तुमने बहुत गलत किया। हालांकि वो इसलिए बोल गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज्योतिबा राव फुले के मानने वाले, सावित्री बाई फुले को जानने वाले इस समय बेहोश हैं, आकंड जातिवाद में डूबे हैं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए कोश्यारी की हिम्मत हुई अभद्र टिप्पणी करने की। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता अगर ज्योतिबा राव फुले के लोग जागरूक होते और अपने हक अधिकार के लिए देश भारत से लड़ रहे होते। वो जानते हैं जो मेरे अनाज पर पलने वाले हैं, जो महंगाई में कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो कोलिजियम के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो अपने महापुरुषों की सुरक्षा क्या करेंगे? इसलिए इस धूर्त व्यक्ति कोश्यारी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई फुले पर अभद्र टिप्पणी करने का मौका मिला, अधिकार मिला है, क्योंकि वो जानता है इनके लोग सो रहे हैं, मुर्दा हैं, मरे हुए लोग हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिस दिन ये मुर्दा जाग गए उस दिन तुम्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कोश्यारी जी, मैं चाहता हूं कि अगर आपको थोड़ी भी शर्म बची हो, इस्तीफा दीजिए और घर में जाकर के बैठिए, वहां किसी जवान बच्चे को बैठा लिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बैठा लिए जो देश को समझे, भारत को समझे और भारत का धर्म निरपेक्ष भारत, यहां का जो सेकुलरिज्म उसको समझे। क्या ये हिंदू बात फैला के रखा है तुमने? देश भारत को बर्बाद करने पर आप लोग तुले हो। पूरी दुनिया में युवा नेता होते हैं, भारत में बूढ़े लोग नेता होते हैं और युवाओं को पेंशन देते हैं। इन बूढ़े लोगों को जो मानसिक विकृत हो गए हैं, घर में नातियों के साथ आराम करने की जरूरत है, राज्यपाल बनने की जरूरत नहीं। होश में आओ कोश्यारी जी, न जिस दिन यह समाज जाग गया तुमको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा और तुम्हें देश से बाहर खदेड़ देगा। ये देश तुम्हारी जागीर नहीं है, ये बहुजन समाज के राजा महाराजाओं ने ये देश बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले पर अभद्र टिप्पणी करने की? शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो पानी में। और मैं आज आह्वान करता हूं कि हर जगह विरोध होना चाहिए, सोशल मीडिया पर डीएम को ज्ञापन दीजिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजिए, ताकि मुर्मू जी को शर्म आ जाए। हालांकि मुर्मू जी के कुछ बस का है नहीं, अगर ये बाकी जिंदा होते,
आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी अगर वाकई जागरूक होती इस बयान पर, राष्ट्रपति इस बयान पर राज्यपाल को निलंबित कर देता, बर्खास्त कर देता, लेकिन हिम्मत नहीं है। फिर भी मैं आह्वान करता हूं, हक अधिकारियों के लड़ो, नहीं तो आज ये तुम्हारे महापुरुषों को बुरा भला कह रहे हैं, कल ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे और घर से निकाल देंगे। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सोए हुए लोग जाग जाएं और अपने महापुरुषों का सम्मान, अपमान करने वालों को जवाब दे सके, उनसे लड़ सके, उनके खिलाफ बोल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।